हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने जूलॉजी के प्रीमियम कोर्स को लेकर आपके सामने फिर आ गए हैं। जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे बुक कर सकता है और पूरे एक साल अनइंटरप्टेड जितनी बार उन लेक्चर्स को देखना चाहे वो देख सकता है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको बार बार रिवीजन कराता रहेगा और आपको क्लासरूम की फीलिंग आपके घर बैठे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ये वीडियो होंगी कैसी, उसके एग्जाम्पल्स आपके यूट्यूब पर दिए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिखाई दे रहा है, फोन नंबर, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे और कैसे ये आपको मिल पाएगा। गुड लक। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो इस प्रकार था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक डिजीज। तो आंसर तो बहुत सारे बच्चों ने किया, एक दो तीन बच्चों को छोड़ के सभी का आंसर सही भी है। लेकिन पहले ये जानना चाहिए कि एंडेमिक डिजीज होती कैसे है। एंडेमिक से जुड़ा हुआ एक शब्द है एपिडेमिक। तो कोई ऐसी डिजीज जो किसी एक लोकल एरिया में यानी एक कंसाइज्ड एरिया में सभी लोगों को प्रभावित करती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, तो ऐसे डिजीज को हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। एंड द डिजीज विच अफेक्ट ऑल पीपल, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन अ एरिया, दैट इज एपिडेमिक। एंड दैट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें तो जॉन्डिस। जॉन्डिस कभी ये नहीं देखती कि मेल या फीमेल को या बच्चे या बूढ़े को या किसी अन्य जगह। जॉन्डिस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली बीमारी है और सभी को हो जाती है। लेकिन एंडेमिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में किसी खास वर्ग के लोगों को ही होती है, यानी या तो बच्चों को होती है या बूढ़ों को होती है या मेल को होती है या फीमेल को होती है, बट इट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। तो इन चारों ऑप्शंस को आप देखें, निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, जो भी ससेप्टेबल होगा उसको होगा। कोल्ड, कॉमन कोल्ड भी राइनोवायरस, राइनाइटिस जिसे आप कहते हैं, उससे होने वाली बीमारी है, इज अगेन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। टाइफाइड इज बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये जो तीन बीमारियां हैं, निमोनिया, कोल्ड एंड टाइफाइड, तीनों बीमारियां हर उस व्यक्ति को हो सकती हैं जो ससेप्टेबल हो या इनके एक्सपोजर में आए। लेकिन डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जो सामान्यतः सिर्फ छोटे बच्चों को होती है। यूजुअली इट अफेक्ट बिलो द 5 ईयर ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ पॉपुलेशन। देयरफॉर इसका आंसर डी होगा, दैट्स ए डिप्थीरिया। मैंने पहले ही कहा लगभग सबका आंसर सही था, मेरी नॉलेज में दो तीन बच्चे ऐसे दिखे जिनका आंसर गलत था। खैर, पहला आंसर जिसका सबसे पहले सही आया, दैट इज मिस्टर रजत वर्मा, इज अ कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई रजत वर्मा, कीप इट वेल। एंड सभी बच्चों को बधाई जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चैनल में लगातार बने हुए हैं, जो हमारे उद्देश्य के साथ चल रहे हैं। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो से ही आगे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे एंडेमिक कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, तो लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक को लेकर 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ स्पोरोजॉइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन विच ऑर्गन डू दे ट्रेवल इनिशियली। जब आपको मॉस्किटो ब्लड सक करने आती है तो वो सलाइवा स्पिट करती है, उसी सलाइवा में स्पोरोजॉइट ऑलरेडी होते हैं। वो स्पोरोजॉइट हमारे ब्लड में जाता तो जरूर है, लेकिन स्पोरोजॉइट के लिए रिसेप्टर्स हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर नहीं होते, इसलिए स्पोरोजॉइट कभी भी आरबीसी पे अटैक नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल अटैक ऑन द लिवर सेल। जब पहली बार वो लिवर सेल पे अटैक करते हैं स्पोरोजॉइट, तो जैसे ही लिवर सेल में जाते हैं वो क्रिप्टोजॉइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर साइजोगोनी करके ढेर सारे मीरोजॉइट रिलीज करते हैं। वही मीरोजॉइट या तो पुनः लिवर सेल पर अटैक करते हैं और या फिर साथ में ही
वो आरबीसी पर अटैक करते हैं। तो जब पहला अटैक स्पोरोजॉइट का लीवर पर होता है उसे हम कहते हैं प्री इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी। लेकिन इस साइजोगोनी के बाद जो मीरोजॉइट निकलते हैं वो लीवर पर और आरबीसी पर एक साथ अटैक करते हैं, इसलिए वो सेकेंड अटैक जो होता है उसे हम एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइजोगोनी कहते हैं। आप समझ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, और समझ गए तो इज अ गुड फॉर यू। हमारा सवाल का आंसर तो कब का आ गया कि स्पोरोजॉइट हमारे लीवर पे ही अटैक करते हैं। ये जरूर जानिए कि प्लाज्मोडियम मैन में लीवर और आरबीसी दोनों पर अटैक करता है, लेकिन स्पोरोजॉइट कभी लीवर पे अटैक नहीं करते, सॉरी आरबीसी पे अटैक नहीं करते, स्पोरोजॉइट सिर्फ लीवर पे अटैक करते हैं, जबकि जो मीरोजॉइट होंगे वो लीवर और आरबीसी दोनों पे अटैक करेंगे। क्लियर, आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मोडियम पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस इन लिवर बाय, यानी पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है वो लिवर में कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एंड इन ब्लड बाय। तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि प्लाज्मोडियम जब मैन में रहता है तो वो सिर्फ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और मैन में जिस मेथड को अडॉप्ट करता है एंड दैट इज साइजोगोनी। तो मैन में चाहे वो लिवर में हो चाहे आरबीसी में हो, हमेशा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ही करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ साइजोगोनी। साइजोगोनी मींस मल्टीपल न्यूक्लियर फिजन। लेकिन जब वो मच्छर में जाता है तो मच्छर में सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज दोनों होती है। जो सेक्सुअल फेज है मच्छर में वो हमेशा गैमोगोनी कहलाती है, दैट ऑलवेज अकर्स इन द गट ल्यूमेन। लेकिन जो गट वॉल में होती है मच्छर के, वो प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल फेज होती है, उसे हम स्पोरोगोनी कहते हैं। आंसर तो मैं बार बार कहता हूं, जब मेरा सुन रहे हैं ऑडियो तो आंसर तो उसी के साथ आ चुका होता है। तो आंसर जो इस सवाल का होगा बी ऑप्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स लिवर में भी एसेक्सुअल और ब्लड में भी एसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट इज, यानी हमारे स्टूल के रास्ते ढेर सारा म्यूकस और ढेर सारा ब्लड क्लॉट अगर आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ब्लड एंड म्यूकस मिक्स्ड स्टूल इज नोन एज डिसेंट्री। ये टर्म बेसिकली अमीबियासिस में आता है, एंट अमीबा हिस्टोरिटिका का इन्फेक्शन होता है तभी आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसेंट्री सिर्फ अमीबियासिस में होती है, सर डिसेंट्री तो बैक्टीरियल भी होती है, जिसमें हम शाइगेला बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो यस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां डिसेंट्री नजर आती है, लेकिन जब भी डिसेंट्री आएगी तो म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट मस्ट बी प्रेजेंट देयर। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स लाइक इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज अकर्स इन, थिंक अबाउट द एस्केरियसिस। जो एस्केरियस है दैट ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं रहता है, वहीं रह करके आपका जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसे वो खाता है, वहां पर वो वॉल को डैमेज करता है, इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग भी स्वाभाविकली हो जाती है। फीवर और एनीमिया होना एकदम आसान सी बात है, लेकिन एस्केरिस का इन्फेक्शन कभी कभी बहुत सीवियर हो जाता है और कई सारे एस्केरिस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भर जाते हैं, उस परिस्थिति में इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है। तो यही इसका एक पिक्यूलियर फीचर है, सीवियर केसेस में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेस। तो आंसर इज बी, एस्केरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई इन्फेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वुचेरिया इज ए नीमेटोड। आपके सिलेबस में इस चैप्टर में दो नीमेटोड हैं, एक एस्केरिस है एक वुचेरिया है। तो एस्केरिस हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, लेकिन वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक नहीं करता। दे ऑलवेज अटैक ऑन द लिम्फ वेसल, स्पेशली ऑन द लोअर लिम्फ। एडल्ट हमेशा वहीं पर रहता है, फिर वहां से उनके जो बच्चे होते हैं, अंडे देते नहीं है, ये बच्चे देते हैं, इनके बच्चों को माइक्रोफाइलरी कहते हैं, और ये माइक्रोफाइलरी ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड सकिंग के दौरान मॉस्किटो में पहुंच जाते हैं। लेकिन एडल्ट फॉर्म हमेशा लिम्फ वेसल में रहता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन होता रहे
तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में ढेर सारे बुचेरिया आपके लिम्फ वेसल में अकोमुलेट हो जाते हैं, जिस वजह से लिम्फ वेसल का ड्रेनेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से आपका जो लिम्फ है वो टिश्यू फ्लूड है वो लोअर लिम्फ में अकोमुलेट होने लगता है, दैट लीड टू द स्वेलिंग यानी इडिमा। यस आंसर इज द बी कि बुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई इनफैक्ट लिम्फ वेसल स्पेशली द लोअर लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुचेरिया कॉजेस। बुचेरिया जो है वो फाइलेरिया कॉज करता है, उसे आप बुचेरियासिस भी कहते हैं, लेकिन फाइलेरिया बड़ा कॉमन है। एलिफेंटियासिस जिसमें लोअर लिम्फ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हाथी की तरह पांव फूल जाता है, इसलिए हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। लेकिन बुचेरिया एक या दो होने से कभी भी आपको इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देन यू विल फील द सिम्टम एलिफेंटियासिस। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेन सिम्टम ऑफ द रिंगवर्म। तो रिंगवर्म एक फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज ग्रो होने के लिए जो फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो अगर आपके स्किन पे मिलते हैं तभी ये ग्रो कर पाते हैं। तीन ग्रुप ऑफ फंगस हैं, वही सामान्यतः रिंगवर्म आपको शो करते हैं, माइक्रोस्पोरम, इपीडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन। नॉर्मली जहां भी ये रहते हैं उस जगह पर एक ड्राई स्केली लीजन कॉज करते हैं, लीजन मींस घाव, एक हल्का सा स्केली पपड़ी जैसा, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अक्सर व्यक्ति उस स्केली लीजन को खुजलाता रहता है और घाव बन जाता है। हीट एंड मॉइस्चर इसके एग्रेविटिंग फैक्टर हैं, वो हमेशा इसमें इजाफा करते हैं, और आसानी से ये ट्रांसमिट भी हो जाता है, जब हम शेयरिंग ऑफ क्लॉथ करते हैं या कॉम्ब करते हैं तो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। आंसर आ चुका है, दैट इज अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ फंजाई। तो अभी हमने आपको बताया फंजाई जो रिंग वर्म कॉज करता है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रो करने के लिए हीट एंड मॉइस्चर, जो हमारी स्किन फोल्ड पर पाया जाता है। तो ग्रोइन रीजन में सबसे कॉमन है, जेनिटल ऑर्गन के दोनों साइड सर वहां पर स्किन फोल्ड होता है, इंटरनल बॉडी पार्ट है, इस वजह से वहां हीट और मॉइस्चर आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसलिए बड़ा कॉमन है ग्रोइन रीजन में रिंग वर्म का होना। हालांकि वो गर्दन में भी हो सकता है, एक्जिला के फोल्ड्स पर भी हो सकता है, जिस जगह पर ये एग्रेविटिंग फीचर्स मिलते हैं उस जगह पर ही आसानी से हो जाता है। आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेडली डिजीज स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड। इतनी सारी बीमारियां हैं तो बहुत सारे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, चाहते तो हैं कि हमारा समाज स्वस्थ रहे, क्योंकि समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा तो सर हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी, हमारा आउटपुट बढ़ेगा। इसी फेवर ने वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाए गए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है बाय वैक्सीनेशन। तो बहुत सारी बीमारियों को तो हमने इरेडिकेट कर लिया, कुछ नियर टू इरेडिकेशन है, तो स्मॉल पॉक्स उनमें से एक है एंड दैट इज 100% इरेडिकेटेड। अब कहीं भी पॉक्स वर्ड की बात करते हैं, दैट मीन्स चिकन पॉक्स, नेवर द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में हम बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं नॉर्थ इंडिया में, और जो चिकन पॉक्स है उसे हम छोटी माता जानते हैं। तो जो स्मॉल पॉक्स पहले हुआ करता था वो पॉक मार्क देता था, अगर आपने कभी किसी के चेहरे पर गड्ढे गड्ढे देखे होंगे तो उनसे पूछें तो विल से कि चेचक के दाग हैं, ये वो चेचक है जो अब नहीं होती एंड दैट इज द स्मॉल पॉक्स। तो ये इरेडिकेट हो चुकी है एंड यस द बी ऑप्शन दैट इज विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन गुनिया इज स्प्रेड बाय। जो चिकन गुनिया है वो कैसे स्प्रेड होती है। तो चिकन गुनिया पहले जान लें एक वायरल डिजीज है, दैट इज फ्लैबो चिकन गुनिया वायरस, सॉरी इसको कॉज करने वाला जो वायरस है इट इज चिकन गुनिया वायरस। इसको हम लोग कहते हैं इज एग्जाम्पल ऑफ टोगा वायरस। इट इज ट्रांसमिटेड बाई फीमेल एडीज
तो फीमेल एडीज डेंगू भी ट्रांसफर करता है, वो भी वायरल डिजीज है, और चिकनगुनिया भी ट्रांसफर करता है। तो ध्यान रखिएगा, मच्छर तीन है, फीमेल मॉस्किटो ही डिजीज को ट्रांसफर करती है क्योंकि उसके माउथ पार्ट सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप के होते हैं। मेल मॉस्किटो किसी भी डिजीज को ट्रांसफर नहीं करता। फीमेल एनोफिलीज ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ द फाइलेरिया यानी बुचेरिया, एंड फीमेल एडीज इज द ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ द डेंगू एज वेल एज चिकनगुनिया। तो हालांकि यहाँ स्पीसीज स्पेसिफिक आंसर नहीं था, आंसर इज द सी, एंड दैट इज चिकनगुनिया इज स्प्रेड बाई ए वैक्टर एंड दैट इज मॉस्किटो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपके लिए है वो इस प्रकार है। द नेचर ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज टर्म्ड एज, यानी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, जो कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, वन पर्सन टू अदर पर्सन ट्रांसमिट होती हैं, तो इसको हम किस टर्म से जानते हैं। पहला ऑप्शन है पैरासिटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इम्यूनोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एपिडेमियोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, आई विल वेट फॉर योर आंसर। तो ये फिर हमने 10 क्वेश्चन कराए आपको, तो इस तरह से मैंने कॉमन ह्यूमन डिजीजेस में आपको 20 क्वेश्चन कराए। मुझे मोर और लेस ऐसा लगा कि लगभग मैंने सभी बीमारियां जो आपके इन पोर्शन में दी थी वो मैंने कवर कर दी। तो ये 20 सवाल हमारी तरफ से हुए। मैं इस वीडियो में भी आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप टेक्स्ट पोर्शन को जरूर पढ़ें, तभी आप इन ऑडियो को समझ सकते हैं या उसके साथ को रिलेट कर सकते हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा, हमारे प्लेलिस्ट से एमसीक्यूज की पुरानी वीडियोस भी समय समय पर जब आपको समय मिले उनको रिपीट करते रहिए। रिपीट आपको समय मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, बट आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक तुरंत रिवाइज हो जाएगा। आप उसे डिस्कस आपस में करेंगे तो भी आपके जहन में बना रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो पढ़ते तो हैं, अच्छा पढ़ते हैं, पूरे साल अच्छा पढ़ते हैं, बट रिटेन नहीं कर पाते। और रिटेंशन का एक ही तरीका है, रिवीजन। तो आप जो भी पढ़ें उसे बार बार रिपीट करते रहें। आप ढेर सारा पढ़ने के बजाय जो चीजें आपने पढ़ी हैं अगर आपको लगता है वो बेहतर हैं तो उसे रिपीट करें। मैं यही चीज आपसे हर वीडियो में कहता हूं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।